तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नए ब्लॉगर में जो है एडसेंस को कनेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी चीज़ का जानकारी जो है आपको इस वीडियो में सही सही मिलने वाला है। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक, अगर वीडियो सही लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो है मेरा ब्लॉगर है, ठीक है, इस पर जो है बहुत ही अच्छा खासा व्यूज आता है, लेकिन फिर भी ये जो है रिजेक्ट हो गया। तो रिजेक्ट होने का भी कोई ना कोई कारण है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि 19 पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर में जो है कम से कम होना चाहिए 25 पोस्ट, ठीक है। 25 पोस्ट लिखने के बाद अब आपको करना क्या होता है कि आपको जो है बढ़िया सा एक थीम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूं कि मेरा थीम कैसा है। तो यहां पे जो है व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस तरीके से जो है थीम लगाना है, किसी भी प्रकार का थीम हो, लेकिन उसका जो है कस्टमाइज सही से होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको थीम डाउनलोड करना है तो आपको करना क्या है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पे जो है दो प्रकार का थीम आपको मिलेगा, एक जो है शायरी थीम मिलेगा, ठीक है, फुल कस्टोमाइज है, और दूसरा टेक थीम है, ठीक है, जो कि वो भी फुल कस्टोमाइज है, ठीक है। तो उस थीम को जो है आप अपलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें करना क्या होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस जो है लिखना पड़ता है, ठीक है, इसके अंदर में सेट करना होता है। उसके बाद जो है ये होता क्या है कि मेनू है, ठीक है, मेनू के अंदर में आपका जो भी कैटेगरी है उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टोमाइज जो है करना पड़ता है, सोशल पुलिंग है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको बता देता हूँ कि नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर जो है आपको दिख जाता है इस प्रकार का थीम, ठीक है। तो जो थीम मैंने आपको बताया है डाउनलोड करने के लिए, वो इसी प्रकार का थीम आपको दिखेगा, ठीक है। तो थीम को डाउनलोड करके आप जो है ब्लॉगर में लगा लेना। बाकी इतना कुछ करने के बाद अब आपको करना क्या होता है कि गूगल सर्च कंसोल के अंदर में सबमिट करना पड़ता है आपको अपने ब्लॉग को, ठीक है, ताकि गूगल जो है आपके वेबसाइट की जानकारी रख सके, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल के अंदर में जब आप सबमिट करोगे तो वहाँ पे जो है आपको एक काम और करना होगा, आपको जो है साइड मैप जनरेट करना होगा, ठीक है। साइड मैप जनरेट कर लोगे तो होगा क्या कि ये काम आपका हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दिया हूँ कि 25 पोस्ट जो है कम से कम ब्लॉगर के अंदर में लिखा हुआ होना चाहिए, और वर्ल्ड की बात करें तो कम से कम जो है 300 वर्ल्ड जो है होना चाहिए। आप फोटो की बात बता देता हूँ, ठीक है। तो फोटो की बात मैं आपको बताऊँ तो फोटो जो है आप जो है 10 भी डाल सकते हो तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप जो है आप बना सकते हो, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लेना इस वेबसाइट पे आके कि क्या क्या है इस वेबसाइट के अंदर में, उसी तरीके से जो है आप अपने थीम की कस्टोमाइज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सब होने के बाद करना क्या पड़ता है कि आपको जो है गूगल एडसेंस के साथ लिंक करना होता है, ठीक है। तो लिंक जब ही करना जब आप ये सारा काम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप अर्निंग पर क्लिक करोगे तो होगा क्या कि आप जो है अपने एडसेंस के साथ अपने ब्लॉगर को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कनेक्ट एडसेंस, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो होगा क्या कि ब्लॉगर जो है गूगल एडसेंस के साथ लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे भी एक जो है लोचा है, ठीक है। लोचा ये है कि आपको जो है 2 हफ्ते कम से कम रुकना पड़ेगा, ठीक है। 2 हफ्ते रुकने के बाद जो है आपके पास एक ईमेल आएगा, ठीक है। उस ईमेल के अंदर में लिखा रहेगा गुड न्यूज़। तो अगर इस तरीके का जो है अगर आपके पास ईमेल आता है उसमें लिखा होता है गुड न्यूज़, तो समझ लेना कि आपको जो है गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जो है आपको अपने ब्लॉग के ऊपर में जो है एड करवाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जितना मैं आपको बताया हूं इतना काम कर लेना है। तो देखो यहां पे जो है बात मैं बता देता हूं कि नए ब्लॉगर के अंदर में जो है आपको गूगल एडसेंस को लिंक करने से कोई फायदा नहीं। सबसे पहले जो है आप अपना काम करो, ठीक है। आप जब अपना काम करोगे तो होगा क्या कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल जो है तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत के तुरंत मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।